एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन हम लोग ब्रेन टीजर पढ़ने जा रहे हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, क्वेश्चन नंबर वन का ए क्या है? क्वेश्चन नंबर वन का ए है when we add 100 to 9136, the digit at place increases by one। यहां पर क्वेश्चन कहा जा रहा है कि when we added 100 to 9136, the digit at vacant place increase by one। कौन सा प्लेस इंक्रीज हो रहा है by one? देखते हैं, ऐड करते हैं 9136106312। कौन सा प्लेस इंक्रीज किया? इस नंबर में वन प्लेस पर सिक्स है, यहाँ पे सिक्स है। टेन प्लेस पर थ्री है, यहाँ पे थ्री है। यहाँ वन है और इस प्लेस पर क्या टू है। और थाउजेंड प्लेस पर नाइन के नाइन डाल दिया, यानी कि 100 प्लस क्या हुआ, इंक्रीज कर दिया बाय वन। यहां पर लिख दिया 100 प्लस, यानी कि व्हेन वी ऐड 100 टू 9136, द डिजिट एट 100 प्लस इंक्रीज बाय वन। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बी, ध्यान दीजिएगा। The greatest two digit number is itna less than the smallest three digit digit number by, क्या रहेगा? अगर टू डिजिट नंबर इज लेस देन स्मॉल थ्री डिजिट नंबर, बताइए स्मॉलेस्ट टू स्मॉलेस्ट, यहां पर देखिए स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर क्या हुआ 100, आ ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर नाइन्टी। तो कितने डिफरेंस है दोनों में, कितना लेस है? तो 100 माइनस 99 इक्वल टू वन। यहां क्या होगा वन। द ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर इज वन लेस देन द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर। फर्स्ट का ऑप्शन है सेकेंड, और इसका ऑप्शन है क्या थर्ड। ठीक है, थर्ड ऑप्शन सही है। इसको आप लिख लीजिए अच्छे तरीके से, लिखिए लिखिए क्या हुआ। When we add 100 to 9136, the digit at vacant place increase by one। Now 9
100 added in 9136. Then 6 plus 0 6, 3 plus 0 3, 1 plus 1 2, and 9 plus 9 49. Then here 9136. At 1 place 6 is available here. At 10 place 3 is also available here. At 100 place here is 1, but here is 2. And at 1000 place 9 is here also. Then 100 place increased by 1. इसका मतलब है 100 place इंक्रीज किया, यानी ऑप्शन सेकंड सही है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर the greatest two digit number is vacant place less than the smallest three digit number by, यहाँ पर smallest three digit number क्या होता है 100 होता है, और greatest two digit number कौन सा होता है 99 होता है। अब दोनों में differences क्या है, तो 100 minus 99 is equal to 1, यानी कि ग्रेटेस्ट टू डिजिट नंबर जो है स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर से कितना लेस है, 1 लेस है, यानी ऑप्शन क्या हो गया 3, ठीक है, क्लियर है। आप लोग इसको बनाइए, देख लीजिए, लिख लीजिए इसको, ठीक है। यहां पर है सी में 7000 माइनस 5000 माइनस 2000। अब हम 7000 में माइनस 5000, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, अब 7 माइनस 5 आ गया 2। अब उसके बाद क्या है माइनस 2000, इसमें जो आ गया, ठीक है, ये जो आपको सेपरेट करने के बाद जो रिजल्ट आया उसमें डिफरेंस जो आया उसमें फिर 2000 को माइनस करें, क्योंकि यहाँ 2000 फिर है माइनस 2000, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, जीरो माइनस जीरो जीरो, टू माइनस जीरो, क्या आया जीरो आ गया, यानी कि इसका आंसर क्या हो गया जीरो। ऑप्शन कौन सा होगा, तो ऑप्शन फर्स्ट होगा, फर्स्ट सही, ठीक है, क्या होगा फर्स्ट, कोई प्रॉब्लम। अब है बी, ध्यान दीजिएगा, कह रहा है 400 मोर देन द सक्सेसर सक्सेसर ऑफ 399 इज इक्वल टू इक्वल टू, क्या हो जाएगा आंसर। सो देखिए सबसे पहले कह रहा 400 मोर देन सक्सेसर ऑफ 399, यानी कि सक्सेसर ऑफ 399 इक्वल टू क्या हो गया 399 प्लस, यानी कि 400। पहले हम कहेंगे द सक्सेसर ऑफ 399, सक्सेसर मतलब जस्ट आफ्टर, मतलब 1 ऐड कर दिया, तो 399 में 1 ऐड किया 4। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है 400 मोर देन, तो 400 मोर देन, तो यहां पर कह रहा है क्या इसमें 400 ऐड कर दीजिए, ये तो सक्सेसर है उसने 400 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 8, तो आंसर क्या हो जाएगा 8। ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन आपका 4 है, फोर्थ ऑप्शन सही हो गया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम। यहाँ क्वेश्चन कह रहा है 10 प्लस 101 प्लस 1001 प्लस 10001 इज इक्वल टू क्या होगा, डायरेक्ट इसको ऐड कर दीजिए, कैसे ऐड करेंगे 10 फिर क्या हो जाएगा 100 फिर क्या होगा 1000,
फिर 10,000, 0 0 + 1 + 1 + 1 यानी कि 3 हो जाएगा, 1 + 0 + 0 = 1 हो गया, 1 ये भी आपको हो जाएगा, 1 ये भी आपको आ जाएगा। अब देखिए 11,113 कौन सा आपका ऑप्शन है, तो ऑप्शन आपका है सेकंड। बताइए ये क्लियर है, देखिए इसको, देखिए करना है क्वेश्चन नंबर से कहें ब्रेन की चलते हैं कि 85,781 + 78,989 ये दोनों क्या करना है, ऐड करना है, ये बताना है इसका आंसर कितना आया। तो देखिए मैं ऐड करता हूं 85,781। अब यहाँ पर ऐड करते हैं तो 1 प्लस को 1 प्लस के सामने, 10 प्लस को 10 प्लस के सामने, 100 को 100 के सामने, 1,000 को 1,000 के सामने, 10,000 को 10,000 के सामने। देखिए यहाँ 1 है, इसके ठीक नीचे 9 लिखाएगा, यानी 1 प्लस को 1 प्लस के सामने, 10 प्लस पर 8 है, यहाँ 10 प्लस पर 8 है, इसके सामने लिखेंगे, 100 प्लस पर 9, 9 को 100 प्लस पर लिखेंगे, 8 को यहाँ ठीक है 1,000 प्लस पर, और 7 को 10,000। अब इसको 9 + 1 = 10 + 0 1 कैरी आ गया, कैरी को क्या कीजिए किस बॉक्स में लिखिए, यहाँ पर 1, 8 + 8 = 16, 16 + 1 क्या हो गया 17 + 7, फिर 1 कैरी, 7 + 9 = 16, 16 + 1 = 17 + 7, 5 + 8 = 13 + 1 = 14, 4 कैरी आ गया, 8 + 7 = 15, 15 + 1 अब इसको कॉमा भी दे दीजिए, कॉमा दे देंगे, 1 = 100,000, यानी कॉमा हमेशा दो पीरियड के बीच में आता है, ठीक है, दो पीरियड के बीच में हम लोग कॉमा को पुट कर देते हैं, ठीक है, एनी प्रॉब्लम। देखिए इसको बी बी क्वेश्चन है कि 48,125 + 9,999 अब इसको क्या करना है, इसको भी सॉल्व करना है, तो लिख दीजिए 48,125। यहां पर देखिए 1 प्लस पे 9 है, 10 प्लस पे भी 9 है, 100 पे भी 9 है, 1,000 पे भी 9, लेकिन 10,000 प्लस पर नहीं है। अब हमको ऐड करना, तो बॉक्स बना लीजिए ऐसा, आप कैरी को हमको लिखना होगा, कैरी लिख देंगे 9 5 + 9 = 14, 14 का 4 = 1 कैरी, 1 कैरी हो गया, 2 + 9 = 11, 11 + 1 कैरी यानी कि 12 + 2, फिर 1 कैरी आप, 1 + 9 = 10, 10 + 1 = 11 और 1 कैरी, 8 + 9 = 17, 17 + 1 = 18, 4 + 1 = 1, यानी कि 58,124, ठीक है, आंसर क्या आया 58,124, ठीक है, इसको आप लिखिए। है
7,56,480 तो देखिए क्या हो गया 7,56,480 में 51,340। ध्यान दीजिएगा वन प्लेस को वन प्लेस सामने, टेन को टेन के सामने, हंड्रेड को हंड्रेड सामने, थाउजेंड को थाउजेंड सामने, टेन थाउजेंड थाउजेंड सामने, ये हम लोग लिखते हैं उसके बाद सब्ट्रैक्ट। तो देखिए वी कांट सब्ट्रैक्ट फाइव फ्रॉम जीरो, देन वी टेक बोरो फ्रॉम नेक्स्ट प्लेस, नेक्स्ट प्लेस हम लोग क्या लेंगे बोरो, तो इससे ये बोरो लेंगे तो ये कितना हो जाएगा टेन, ये कितना हो जाएगा सेवन। अब सब करके 10 माइनस 5 5, 7 माइनस 4 ठीक है, 4 माइनस 3 1, 6 माइनस 1 5, 5 माइनस 5 0 यस ठीक है। आई बात समझ में, इसको लिखिए ठीक है, आप इसको देखें क्या किए, फाइव नाइन नॉट सब्ट्रैक्ट फ्रॉम जीरो, देन वी टेक बोरो फ्रॉम एट यानी टेन प्लस डिजिट, then 10 0 is become 10, 10 minus 5 5, 7 minus 4 3, 4 minus 3 1, 6 minus 1 5, 5 minus 5 0 7 7 आ गया, ये आपको सब्ट्रैक्शन आपका हो गया ठीक है। अब नेक्स्ट है, नेक्स्ट डी, डी में क्या कहा जा रहा है 80,000 माइनस 79,899 इसको सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट करेंगे सो ध्यान दीजिएगा, 80,000 79,899 वी कांट सेपरेट 9 फ्रॉम 0, then we take borrow, ये देखिए ये borrow देगा इसको, ये 7 हो जाएगा, ये 1 borrow दिया इसको तो 10 हो जाएगा, 10 में ठीक next place वाले को दे देगा, ये कितना बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, ये भी बचेगा 9, ये कितना हो जाएगा 10 minus 9 minus 9 minus 8 9 minus 9 0, 7 minus 7 0, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा 101, आंसर आपका हो गया ठीक है, फाइनल आंसर आपका हो गया, यही आपका फाइनल आंसर, कोई प्रॉब्लम है बोलिए, ठीक है। हमको लिखना है लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, लिखते हैं लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, फोर डिजिट नंबर इन व्हिच नो डिजिट इज रिप्लेस्ड, no digit is repeated, कोई डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, ऐसा हमको लिखना है
लार्जेस्ट फोर डिजिट नंबर, ठीक है। कैसे लिखेंगे? जैसे हम लार्जेस्ट लिखते हैं 999, तो इसमें तो डिजिट रिपीट हो जाता है, 9 रिकॉर्ड रिपीटेशन हो रहा है। ऐसा लिखना लार्जेस्ट जिसमें डिजिट रिपीट नहीं हो और वो लार्जेस्ट। तो क्या लिखेंगे? 9 लिखें, 9 के बाद ठीक उससे छोटा डिजिट कौन सा है? 8 है। 8 के बाद उससे ठीक छोटा डिजिट कौन सा है? 7 है। उसके बाद यानी कि 9876 वही आंसर, ठीक है। 9876। अब लिखेंगे स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर, नंबर इन विच नो डिजिट इज रिपीटेड। क्या हो जाएगा? तो हम लोग स्मॉलेस्ट फोर डिजिट नंबर क्या पढ़े हैं? 1000। देखिए यहां पर जीरो रिपीट कर रहा है, ठीक है, जीरो रिपीट कर रहा है, तो ऐसा हमको नहीं लिखना। तो क्या लिखाएगा? 1। तो क्योंकि लार्जेस्ट डिजिट तो 1 से, स्मॉलेस्ट डिजिट 1 से ही स्टार्ट होता है, 1, ठीक है, 1। उसके बाद क्या लिखेंगे? 0, 2, 3, इस तरीके से 1, 0, 2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम बताइए, समझ में ये आया? हमको कहा गया है कि ऐसा स्मॉल डिजिट लिखना है पोटी का जो जिसका डिजिट रिपीट ना करे, तो हम 1 लिखें, उसके बाद 0 लिख दें। 0 अगर हम पहले लिख देते हैं, सबसे छोटे लिखे 0, 1, 2, 3, तो ये 4 डिजिट 3 डिजिट का नंबर हो जाता है, 4 डिजिट का नंबर नहीं होता है। क्योंकि 0 अगर लेफ्ट साइड में किसी नंबर का है तो हम उसको काउंट नहीं करते हैं। जैसे कोई कहता है 06, इसका मतलब क्या हुआ? 6 हुआ, 07। अगर यही चीज अगर 60 लिखते हैं, ये 60 यानी 60 हो जाता है, यहाँ 06 मतलब 6 हुआ, बट यहाँ 60 का मतलब 60 हो गया। तो लेफ्ट साइड में अगर 0 रहेगा उसका कोई वैल्यू ऐसा नहीं है। हम 0 हम इसका 1 से पहले नहीं लिख सकते, नहीं तो ये 3 डिजिट का नंबर हो जाएगा, यानी 123 होगा। हम यहाँ ऐसा डिजिट लिखना है जिसमें नंबर रिपीट डिजिट रिपीट ना करे, यानी कि 1 लिखे उसके बाद 0, 2, 3, इसे छोटा डिजिट जिसका डिजिट रिपीट नहीं होगा कोई नहीं है इसके अलावा, ठीक है। कह रहा यू आर गिवन ए मैजिक स्क्वायर, एक मैजिक स्क्वायर दिया हुआ है, यूज द नंबर फ्रॉम 1 to 9 ओन, 1 से 9 तक डिजिट हमको क्या करना है, यूज करना, एंड कंप्लीट इट सो दैट एवरी रो एंड एवरी कॉलम एड्स 15। देखिए हमारे पास एक मैजिक स्क्वायर इस तरीके से, ये क्वेश्चन नंबर 4, यहां लिखा हुआ है 4, ये है 3, ये है 5, ये 1, ये 6, यहां है। हमको यूज करना है 1 से, कौन सा डिजिट? डिजिट यूज, यूजिंग डिजिट कौन कौन सा है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी डिजिट को हमको यूज करना है और इससे, और ऐड करने के बाद हमको टॉप टू बॉटम लेफ्ट टू राइट 15 ही आना चाहिए, रोज ऑन कॉलम, यानी कि रोज आपका ये है और कॉलम वर्टिकल है, ये आपका 15 ही आना चाहिए। तो आप देखिए हमको 15 लाना है,
फोर प्लस टू कितना होता है, फोर प्लस टू सिक्स होता है। सिक्स में हम कितना ऐड करेंगे कि फिफ्टीन हो जाएगा, तो नाइन ऐड कर देंगे, तो यहां तो नाइन। अब देखिए फोर प्लस थ्री कितना हो गया, सेवन। सेवन में कितना हम ऐड करेंगे कि आपका फिफ्टीन आ जाएगा, एट हो गया, एट। बोलिए आप देखिए थ्री प्लस फाइव कितना आता है, एट। एट में हम कितना ऐड करेंगे फिफ्टीन हो जाएगा, तो कितना ऐड करेंगे, तो हो गया कंप्लीट हो गया ये मैजिक स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम है, बोलिए मैजिक स्क्वायर कंप्लीट आपका इस तरीके से। अब ऐड करके देखिए फोर प्लस नाइन प्लस टू यानी कि फिफ्टीन, थ्री प्लस फाइव एट, एट प्लस सेवन फिफ्टीन, एट प्लस वन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन, ये फोर प्लस थ्री एट, एट सेवन फोर थ्री सेवन, सेवन प्लस एट फिफ्टीन, नाइन प्लस फाइव फोर्टीन प्लस वन फिफ्टीन, टू प्लस सेवन नाइन प्लस सिक्स फिफ्टीन हो गया, यानी कि सभी जगह फिफ्टीन हमको मिल गया। इसका मतलब बनाया हुआ मेरा सही। एनी प्रॉब्लम, बोलिए कोई प्रॉब्लम।